हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है एरर, है ना। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो एरर क्या होता है? तो कोई भी चीज जिसका रियल वैल्यू होता है और उसके स्थान पे कोई दूसरा नंबर ले लेता है तो हम कहते हैं कि हमारे कैलकुलेशन के अंदर एरर आ गया है। और जब हम उस नंबर का कहीं दूसरे जगह पे यूज करते हैं तो उस स्थान पे या उस जगह पे भी क्या हो जाता है, एरर आ जाता है। ठीक है, यानी एरर जो होता है स्टूडेंट वो एक जगह से दूसरे जगह तक क्या होता है, प्रोपेगेट करता है। ठीक है, अगर एक सिस्टम में गड़बड़ी है, अगर उस सिस्टम को कहीं हम दूसरे जगह पे यूज करेंगे तो वहां पे भी क्या होगा, एरर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक वायर है और ये जो वायर ए बी है, इस वायर ए बी का रियल वैल्यू जो है, एक्चुअल लेंथ जो है वो कितना मान रहे हैं, 20 मीटर। क्लियर स्टूडेंट? अब हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, और मेजर करने के बाद यानी ऑब्जर्व वैल्यू, मेजर करने के बाद जो वैल्यू आता है वो कितना आ गया, 19.9 मीटर। ठीक है, तो एक्चुअल में स्वायर का लेंथ कितना है, 20 मीटर, बट इस 20 के जगह पे कौन आ जा रहा है, 19.9 मीटर। तो हम कहेंगे कि हमारा जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन के अंदर क्या है, एरर आ गया है। अब इस 19.9 मीटर का कहीं भी यूज करेंगे तो वहां पे भी क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एरर क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक प्रोपेगेट करता है। ठीक है, और जब भी हम ऑब्जर्वेशन का काम करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। तो जो भी एरर आता है उस एरर को हम लोग फिजिक्स में सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरर का मतलब क्या होता है। तो एरर का मतलब होता है रियल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच डिफरेंस कितना है, है ना। यानी रियल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, तो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, जो एरर होता है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है किसका, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का। यानी हम लोग लिख सकते हैं एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू जो होगा, रियल वैल्यू जो होगा, उसमें जब हम मेजर्ड वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस कर देते हैं देन वी गेट एरर। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू हम किसको मानते हैं, क्या ये सपने में ट्रू वैल्यू आ जाता है, नहीं। तो जब हम मान लीजिए ये वायर है, इस वायर का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट टाइम रीडिंग लिए R1, सेकंड टाइम रीडिंग लिए R2, R3, है ना, R4, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब भी फिजिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मेनी टाइम्स हम लोग रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो हमने जितना भी रीडिंग लिया उन सारे रीडिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। और ऐड करने के बाद हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, कोई ना कोई एक रिजल्ट आएगा। तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू, है ना। तो ट्रू वैल्यू कहीं बाहर से नहीं आता है, जो हम रीडिंग ले रहे हैं, है ना, मेनी टाइम्स, उस रीडिंग्स को क्या करेंगे, ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी हमारा निकल के आएगा उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए ये जो एरर है, ये एरर मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना। ये जो एरर है वो कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव अब जीरो कब होगा, तो जैसे मान लीजिए हमारा रियल वैल्यू कितना है, 20 है। ठीक है, और एक बार जब हम ऑब्जर्व किए तो कितना आ गया, 19.9 आ गया। तो जब हम 20 में 19.9 मीटर को माइनस करेंगे देन वी गेट पॉजिटिव नंबर। क्लियर है? बट अगर हम एक बार ऑब्जर्व किए और जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो जब 20 आ गया, रियल में कितना है, 20 है, तो फिर 20 को माइनस कर देंगे 20 से, तो कितना मिल जाएगा, जीरो। क्लियर है? बट एक बार जब हम ऑब्जर्व किए तो वैल्यू कितना आ गया, 20.1। तो रियल वैल्यू में क्या करना है, 20.1 को माइनस करेंगे तो हमको जो नंबर मिलेगा वो कैसा नंबर मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो रियल एरर जो होता है वो मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? और ट्रू वैल्यू हम लोग इसको मानते हैं। ठीक है, तो जो भी हम रीडिंग लेते हैं उस रीडिंग का हम लोग एवरेज निकालते हैं, और एवरेज निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसी को हम लोग क्या मानते हैं, ट्रू वैल्यू मानते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। अब ये जो एरर होता है वो कई तरीके के एरर हो सकता है और उस एरर के कई कारण हो सकते हैं, तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा एरर है सिस्टमैटिक एरर। अगर हम सिस्टमैटिक एरर को देखें तो यहाँ पे एक वर्ड है हमारा सिस्टम, है ना, यानी जो एरर सिस्टम के कारण क्रिएट होता है उसको हम लोग अराइज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। जैसे हम लोग कभी मार्केट जाते हैं तो मार्केट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन देखते हैं, तो उस मशीन में क्या होता है, देखिएगा कभी कभी कहीं पे कि पहले से 0.456 शो कर रहा है। तो अगर पहले से 0.456 शो कर रहा है इसका मतलब है कि उस इंस्ट्रूमेंट में सिस्टम में ही क्या है, खराबी है। और वो जो हम 0.456 देख रहे हैं वो हम पहले से जान रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ खराबी है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, है ना। कैसे रिमूव करेंगे, तो उसके जगह पे एक अच्छा बेटर इंस्ट्रूमेंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना, या फिर मेनी टाइम्स हम एक्सपेरिमेंट करके भी उस प्रॉब्लम्स को, उस एरर को हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए सिस्टमैटिक एरर आर दोज एरर दैट अराइज ड्यू टू सिस्टम, जो किसके वजह से अराइज होता है, सिस्टम के वजह से, एंड विच इज नॉन टू अस, यानी जिसके बारे में हमको पहले से क्या होता है, पता होता है, ठीक है, एंड इट कैन बी काउंटेड, और उसको हम काउंट भी कर सकते हैं कि 0.345 जो एरर उसपे शो कर रहा है। इट कैन बी मिनिमाइज्ड इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, तो हम उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बेहतर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एंड सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, और हम एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करके हम सिस्टमैटिक एरर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, रैंडम एरर। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है रैंडम, यानी ये जो एरर है वो किसके वजह से आता है, यानी इसका काउस क्या है, रीजन क्या है, ये हमें पता नहीं होता है और इसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं और इसको हम रिमूव भी नहीं कर सकते हैं, तो वैसे एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। यानी रैंडम एरर आर दोज एरर दैट अराइज ड्यू टू साउंड, है ना। अब इसका काउस कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस समय डीजे बज गया तो क्या होगा, आपका एक्सपेरिमेंट पे इफेक्ट करेगा, है ना, तो आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा उस ऑब्जर्वेशन में कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। इन्वायरमेंटल, मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अचानक आंधी तूफान आ गया जिसकी वजह से आपका इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, हिल गया, है ना, तो भी आपका ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। ह्यूमन की वजह से, हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारा एक ग्रुप होता है, अब मान लीजिए उसमें से दो का एक्सपेरिमेंट करने का मन नहीं है, दो कर रहा है दो का मन नहीं है, तो वो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, अगर मान ले रहे हैं हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक रूम के अंदर करते हैं और सडनली उस रूम का टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से भी हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन पे इफेक्ट पड़ता है और उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। एंड सो मेनी रीजन, और इसके कई कारण है, है ना, ये कब क्रिएट होगा, कैसे क्रिएट होगा, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होता है, उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते और इसे हम रिमूव भी नहीं कर सकते हैं, है ना। इट मीन्स वी डोंट नो एनी एग्जैक्ट रीजन, इसका हमें कोई एग्जैक्ट रीजन पता नहीं होता है कि जो रैंडम एरर है वो किसके वजह से आ रहा है, ठीक है। तो पहले आप इन दोनों को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं कि किस तरह से हम लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर को देखा, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एरर देखते हैं, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक है स्टूडेंट। तो जब भी हम लोग फिजिक्स के लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये सारे एरर्स क्या करने होते हैं, हमें परफॉर्म करने होते हैं, है ना, यानी जब भी हम पूरा एक्सपेरिमेंट हम लोग लिखते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसमें ये सारे काम हमको, पूरा प्रोसेस हम लोगों को करना पड़ता है, तब जाके हम लोग कोई फाइनल रिजल्ट को लिख पाते हैं, यानी विद एरर लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये जो एब्सोल्यूट एरर है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए से। अब देखिए ए का मतलब क्या है, तो जिसे आप नापना चाहते हैं उसी को हम लोग ए बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप वायर का लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो हम लोग लेंथ को यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से। अगर वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं या फिर एरिया मेजर कर रहे हैं तो उसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से। मतलब जिसे आप नापना चाह रहे हैं, जो भी चीज आप नापना चाह रहे हैं उसी को हम लोग किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से, ठीक है। अब देखिए ये जो एब्सोल्यूट एरर है, जब भी हम लोगों को एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए कहा जाता है तो उस समय हम एब्सोल्यूट एरर के नेगेटिव पार्ट्स को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और नॉन नेगेटिव पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हम किसके लिए फाइंड करते हैं, तो इट इज कैलकुलेटेड फॉर पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, है ना। हम एक हर एक एक एक्सपेरिमेंट का क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए, तो मान लो स्टूडेंट लेट ट्रू वैल्यू ऑफ
सॉरी ट्रू वैल्यू ऑफ ए बी ए नॉट, है ना, जो हम मेजर कर रहे हैं उसका ट्रू वैल्यू कितना मान लिए हम लोग, ए नॉट मान लिए, ठीक है। लेट ए वन बी द रीडिंग ऑफ ए इन एक्सपेरिमेंट वन, ठीक है। उसी तरह ए टू बी द रीडिंग ऑफ ए इन एक्सपेरिमेंट टू। इसी तरह हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मेनी टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। तो मान लीजिए हम लोग रीडिंग कितना टाइम्स ले रहे हैं, एन टाइम्स, ठीक है। तो एन इक्वल टू एन बी रीडिंग ऑफ ए इन एक्सपेरिमेंट एन, ठीक है। एन टाइम्स हम लोग क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। तो देखिए अब हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कर सकते हैं, हर एक रीडिंग का फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो ट्रू वैल्यू हमारा कितना है ए नॉट और हमारा फर्स्ट रीडिंग कितना है ए वन, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ए नॉट माइनस ए वन कर दिए। तो ए नॉट माइनस ए वन जब करेंगे तो हमको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। अब वो जो रिजल्ट आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल्टा ए वन, है ना। अब ये जो डेल्टा ए वन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग वन, ठीक है, या फिर एक्सपेरिमेंट वन। इसी तरह से जब हम लोग ए नॉट माइनस क्या कर देते हैं ए टू, तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा ए टू, क्लियर है। ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग टू या फिर एक्सपेरिमेंट टू, है ना। फिर सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं डेल्टा ए थ्री इक्वल टू ए नॉट माइनस ए थ्री, है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए नॉट में माइनस करेंगे एन रीडिंग्स को तो क्या मिलेगा, डेल्टा ए एन, क्लियर है। यानी ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग एन, क्लियर है फ्रेंड। तो इस तरीके से जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो किसके लिए, तो कैलकुलेटेड फॉर पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, है ना। यानी इट इज कैलकुलेटेड फॉर पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो हमारा एब्सोल्यूट एरर होता है वो उसको हम पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर फ्रेंड। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है इसको हम लोग शो करते हैं डेल्टा ए और मॉडुलस लगा के यहाँ पे क्या लिख देते हैं एम, या फिर सिंपल हम लोग इसको डेल्टा ए लिख के इसके ऊपर बार का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है फ्रेंड। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करते हैं, तो जो भी हमारा एब्सोल्यूट एरर है वो सारे एब्सोल्यूट एरर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यानी डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस क्या हो जाएगा, मोड ऑफ डेल्टा ए एन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, एन है। तो अब जो रिजल्ट मिलेगा ये हमारा क्या मिलेगा, डेल्टा ए बार मिलेगा। यानी ये हमारा क्या आया, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो भी हमारा एब्सोल्यूट एरर है सारे एब्सोल्यूट एरर को क्या करते हैं, ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, क्लियर फ्रेंड। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टूडेंट। तो यहां तक हम लोग आ चुके हैं, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर, ठीक है। अब जो रिलेटिव एरर है इसको शो किया जाता है डेल्टा ए से, है ना। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, देखिए डेल्टा ए बार अपॉन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू हमारा क्या था, ए नॉट। तो ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा ए, ठीक है। दिस इज रिलेटिव एरर, क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परसेंटेज एरर। तो इसको थोड़ा रब कर देते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, क्लियर फ्रेंड।
तो परसेंटेज एरर, हाउ टू फाइंड परसेंटेज एरर, तो जो भी हमारा रिलेटिव एरर होता है यानी रिलेटिव एरर, उसको हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। ठीक है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, परसेंटेज एरर बन जाता है। यानी रिलेटिव एरर का मतलब क्या है, तो देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100%, दिस इज व्हाट परसेंटेज एरर। अंडरस्टैंड। तो जब भी हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, उस फाइनल रिजल्ट में हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा फाइनल रिजल्ट हमको क्या करना है, लिखना है। तो अब फाइनल रिजल्ट जब हम लिखते हैं तो उसमें सिर्फ ट्रू वैल्यू को नहीं लिखते हैं, ठीक है, हम लोग ये भी लिखते हैं कि उसमें मैक्सिमम या मिनिमम कितना एरर हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा फाइनल रिजल्ट लिखना है तो क्या लिखेंगे, ट्रू वैल्यू, है ना, ए नॉट प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा क्या लिखाएगा, एरर, ठीक है, जो भी एरर होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फाइनल रिजल्ट को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज एरर भी हो सकता है, मीन एब्सोल्यूट एरर भी हो सकता है, क्लियर। तो फाइनल रिजल्ट हमारा कुछ इस तरीके से फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में लिखा जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट नेक्स्ट आगे देखते हैं डिफिनेशन, है ना। तो एब्सोल्यूट एरर का डिफिनेशन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, है ना। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर, द सम ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर, जितने भी एब्सोल्यूट एरर है उन सबका हम लोग क्या करते हैं, सम कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। आगे रिलेटिव एरर, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, ठीक है। और परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर को हम लोग क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी गेट परसेंटेज एरर, क्लियर स्टूडेंट। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट अब आगे देखते हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं उसके बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है वो फाइनल रिजल्ट को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एरर हमारा हो गया, अब देखिए जो फाइनल रिजल्ट है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, मीन वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, या फिर हमारा दूसरा तरीका हो सकता है मीन वैल्यू प्लस माइनस रिलेटिव एरर, या फिर हम लिख सकते हैं मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर, है ना। तो जो भी हमारा ट्रू वैल्यू होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, या फिर मीन वैल्यू प्लस माइनस रिलेटिव एरर, या फिर आप लिख सकते हैं मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। अगर आप सिंपल अगर रिजल्ट लिख देते हैं सिर्फ किसमें, मीन वैल्यू में, तो आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपका एरर आएगा, तो जो भी आप रिजल्ट शो करेंगे उसमें विद एरर शो करेंगे, ठीक है स्टूडेंट।